दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आज क्लियर हुए, जिसमें पेटलावाद विधानसभा की विधायक उम्मीदवार सुश्री निर्मला भूरिया ने कांग्रेस के वाल सिंह मेड़ा को पराजित कर अपनी जीत दर्ज कराई। इसके बाद जैसे ही जीत की घोषणा हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न आतिशबाजी कर मनाया एवं एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी के जिला महामंत्री सोम सिंह सोलंकी भी जीत की बधाई कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता मुकेश गोयल, काप सिंह भूरिया, दीवान डामोर, अर्पित भूरिया, दिनेश पारगी, कालू सिंह डामोर, विजेंद्र डामोर, टोलिया डामोर, कैलाश डामोर, करम डामोर, विक्रम टांग, मानसिंह डामोर आदि कार्यकर्ता ने जश्न मनाया। देखो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही। पेटलावद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार लगाया और हम लगातार पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफा बनने जा रही है। हमारे प्रदेश में जो भाजपा सरकार की योजनाएं हैं वो आम नीचे तक लोगों को मिली है और हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार हम सबके बीच में एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उन्होंने लगातार यहाँ कैंपेनिंग की और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के पक्ष में लगा और आज इतना बढ़िया परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। आप सबको राम राम, मीडिया परिवार को भी राम राम। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जनहितैषी है और गरीब वर्ग के लोगों के लिए है और सीधा पार्टी और लोगों का संपर्क है। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ा, यहाँ कार्यकर्ता और जो जिनको योजना मिल रही उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। ये चुनाव जो जीए जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और लाडली बहनों का आशीर्वाद है। साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, खास करके लाडली बहना योजना की जो योजना चालू करी थी, उन्होंने लागू करी थी, उस संदर्भ में ये आंधी ऐसे आई कि कालू बाबा कालू नाथ को बहा के लेके गई। लाडली बहना योजना सबसे सफल रही और जन कल्याणकारी हितैषी जो योजनाएं हैं सभी युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर बहनों से लेकर भाइयों से लेकर सभी हितैषी कल्याणी योजना जो अच्छी है और लोगों को काफ़ी पसंद आई। और अभी का जो चुनाव हुआ देश और धर्म और अपने हित के संदर्भ में हित के अनुसार योजनाओं को देखते हुए लोगों ने वोट करा और हम सभी खरडू के जितने कार्यकर्ता है उनकी अच्छी लगन मेहनत के साथ आज हम हमारी पेटलावद विधानसभा की लोकप्रिय विधायक माननीय निर्मला दीदी जो जीती है, बहुमत से अच्छे मतों से जीती है, उसके लिए हम सभी आपको और देश गांव के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हमारे यहाँ क्षेत्र से विधायक बन के जाएगी और कैबिनेट मंत्री बनेगी, उसकी हम यही आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खुशी का माहौल है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम देखते हैं कि आज लाडली बहना और युवाओं में बड़ा उत्साह है कि प्रदेश में सरकार बनी। इसी प्रकार में आज खैरू बड़ी के सभी कार्यकर्ता भी उत्साह है क्योंकि यहाँ की जो विधानसभा से निर्मला भूरिया